रिजल्ट लाना है जबरदस्त, तो पढ़ाई का तरीका बनाइए मस्त, करिए बड़ी ही जबरदस्त तैयारी, क्योंकि इस बार है आपकी बारी। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके मैट्रिक के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन कैसे पूछता है, हर एक लेसन वाइज जो ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा डायरेक्ट आपको वही एग्जाम में देखने को मिलेगा, इतनी आसानी के तरीके से। और पूरे लगभग 10 साल का प्रीवियस ईयर पुराने साल का प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है, गाइड का जो भी है, वो निकाल करके अगर एक बार देख लेते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले भी देखते हैं, तो आपका पक्का 90 के ऊपर ये आना तय है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए फॉर्मूला के तौर पर, और नहीं तो प्लेलिस्ट में फॉर्मूला का सभी 1 से लेकर 15 तक हर लेसन में आपको फॉर्मूला का ट्रिक देखने को मिलेगा। तो यहां 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक फॉर्मूला है, और ट्रिक समझिएगा बाबू कि ये फॉर्मूला का ट्रिक, फॉर्मूला याद मत कीजिए, क्योंकि जो चीजें आप याद करेंगे ना वो भूल जाएंगे, इसलिए किसी चीज को याद मत कीजिए, ज्यादा लगाव मत लगाइए, ठीक है, मोहब्बत मत कीजिए किसी चीज से, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। यहां समझिए, यहां पे ये क्वेश्चन 7.2 दिया है जिसमें विभाजन फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? विभाजन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। आप एक चीज जानते हैं कि ये 2 पॉइंट दिया है, ठीक है, तो आखिरकार 2 पॉइंट दिया है, तो ये x1y1 और x2y2 होगा, इतना जानते हैं। फॉर्मूला विभाजन का याद कैसे कीजिएगा, ट्रिक देखिए, विभाजन सूत्र, यही ना है। आप इतना काम कर सकते हैं, m1 + m2 बटा m1 + m2, इसमें क्या करना है, वही चीज लिख दिए, ये 4 बार लिखिए, फिर m1 + m2 बटा m1 + m2, इतना तो आप कर सकते हैं। अब एक काम कीजिए, 2 वाला इधर लिखिए, x2 इधर, इधर चाहे कहीं पे लिख सकते, इधर जगह नहीं है, x2 x1 y2 y1, माने इधर x वाला x2 x1 माने 21 यानी 21, और यहाँ पे भी 21 लेकिन y वाला हिस्सा, मतलब इधर x वाला हिस्सा लिखिए और इधर y वाला, यही तो है आपका विभाजन फॉर्मूला। देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 और m2 x1, m1 प्लस m2, तो यहाँ हम कुछ किए हैं, ट्रिक याद हुआ कि नहीं, 4 बार m1 m2 ऐसे लिख दीजिएगा, यहाँ x वाला हिस्सा डाल दीजिएगा, x यहाँ भी 21, यहाँ भी y y 21, ठीक है, ये आपका विभाजन फॉर्मूला। अब यहाँ मामला आता है, आप तो जानते हैं कि x1 x2 क्या होता है, m1 m2 क्या होता है, भाई ये m1 क्यों दिया है, m2 क्यों दिया है। तो देखिए, जब किसी लाइन को आप विभाजित करते हैं, विभाजित करने का मतलब तोड़ना होता है, तो मान लीजिए कि आपने तोड़ दिया इस लाइन को ऐसे, एक पॉइंट यहां पे हो गया, एक पॉइंट, तो कितने हिस्से में, अगर हम आपको बोले कि ये पॉइंट का नाम 2, 3, ये पॉइंट का नाम 3, 4 ऐसे दे दिए, आप बोले आपसे कि ये वाला है, यहां से हम 3 हिस्सा किए हैं, इस पॉइंट का नाम बताइए, तो जो इस पॉइंट का नाम तो बताइए, तो इधर इधर का हिस्सा है 1, 2 हिस्सा है, आ इधर का हिस्सा है 1 हिस्सा है, तो जब इधर 2 हिस्सा है, आ इधर कितना हिस्सा है 1 हिस्सा, इसी को बोलते हैं पहला वाला को M1 और दूसरा वाला को M2, समझ में आया। जितना हिस्सा रहेगा, अगर इसका बात करेगा ये निकालिए, तो फॉर्मूला ये लगाइएगा, लेकिन वहां M1 क्या होगा 1 और M2 क्या होगा 2 होगा। अगर आपको यहीं पे ये वाला पॉइंट निकालना होगा, तो इधर कितना हिस्सा है 1, 2, तो इस बार M1 कितना हो जाएगा 2 हिस्सा, और यहाँ पे ये निकालना है, तो इधर M2 कितना हो जाएगा 1 हिस्सा, यानी कि इस बार M1 का मान 2 और M2 का मान 1 भराएगा। यही चीज यहाँ पे कभी कभार यहाँ लैंग्वेज में दे दिया है, समझिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए, कोई बिंदु है लाइन में, जो बिंदु 1 - 1.7 और 4 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। कह रहा है कि 2 पॉइंट है ये और ये, आई दोनों का ही पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पे है, इस पॉइंट का नाम हो गया -1.7, इस पॉइंट का नाम, ठीक, और एक इधर है पॉइंट जिसका नाम हो गया कितना 4 - 3, और कह रहा है इस ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड का कितना अनुपात में है 2:3, यानी ये जहाँ भी ऐसे मिला है, इधर से आया होगा, इधर आया होगा, फिर इधर ही आया होगा, जाके कहीं मिल गया होगा, तो जहाँ मिला है ना उसी बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, ऐसे ही वो भी होगा, जितना हिस्सा में टूटा है वो हिस्सा है पहला 2 और दूसरा क्या है 3 हिस्सा। आप देखिए ना, इधर बड़ा है कि नहीं, इधर छोटा है कि नहीं, तो ये मान लो कि 3 हिस्सा में होगा, कहीं से 1, 2 ऐसे 3, आई कहीं 2 ये हिस्सा में हो, ऐसे भी हो सकता है, तो बस अनुपात दिया है, तो पहला वाला 2 हिस्सा, दूसरा वाला 3 हिस्सा, ये M1 हो गया और ये वाला M2 हो गया, ठीक। अब विभाजन फॉर्मूला आपको पता है ही, क्या होता है विभाजन फॉर्मूला, विभाजन
सूत्र बाबू क्या होता है, आप कमेंट करके बताते रहिए। व्यवहार सूत्र कोशिश कीजिए लिखने का, टाइप करने का। यहाँ देखिए व्यवहार फॉर्मूला होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, एम वन प्लस एम टू। एक और चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा, जब तक वीडियो देखिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, कॉपी और पेन ले लीजिए, तब मतलब आप लिखना शुरू कीजिए, बनाना शुरू कीजिए, तब जाके प्रैक्टिस होगा। आप ये सोच रहे हो कि अरे मेरा हो जाता है, अरे दिमाग में सबके चलता है कि हो जाता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो फंस जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ एकदम नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए और इसमें लिखिए। ठीक है, फॉर्मूला होता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटा एम वन प्लस एम टू। यहाँ देखिए अब इसमें भर दीजिए, एम वन पहला वाला कितना है दो इंटू एक्स टू, टू में वो दो नंबर है चार, अब प्लस एम टू कितना है तीन इंटू एक्स वन माइनस में वन, अब बटा में टू प्लस थ्री। इतना आपको समझ आया होगा, एम वन है टू इंटू माइनस में थ्री, अब प्लस थ्री इंटू वाई वन है सात, अब बटा में कितना हो जाएगा आपका टू प्लस थ्री। ये वाला वैल्यू हम भर दिए जो जो जैसा था, ये एक्स वन एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू होता है, ये वाला होता है एक्स वन, ये वाला होता है वाई वन, ये वाला होता है एक्स टू, ये होता है वाई टू। ठीक है, अब देखिए ये सॉल्व कीजिए, चार दूना बाबू कितना होता है आठ, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तीन, अब बटा में तीन दो पाँच। ठीक है, कम है तीन दूना छः और सात तरीका कितना हो जाएगा इक्कीस, अब बटा में पाँच। ये भी आपको समझ आया होगा, आठ में से तीन जाएगा तो बचेगा पाँच, अब बटा में हो गया पाँच कमा, ये जब इक्कीस में से छः घटेगा तो बचेगा कितना पंद्रह, अब बटा में पाँच, ये पाँच एकम पाँच और पाँच तीन पंद्रह हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा एक कमा तीन, यानी कि वो बोल रहा है कि निर्देशांक निकालिए जहाँ पे ये आ करके दोनों पॉइंट जुटा है, तो इस निर्देशांक का नाम हो जाएगा एक कमा तीन। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा क्या कह रहा है, गौर से कह रहा है कि बिंदु चार कमा माइनस एक और माइनस दो कमा तीन, यहाँ लिखा है को जोड़ने वाली दो ठो कहीं बिंदु है, इस बिंदु का नाम है चार कमा, यहाँ ऊपर लिखते हैं चार कमा माइनस एक, और एक और कहीं बिंदु है जिसका नाम है माइनस दो कमा माइनस तीन, आ इसको जोड़ने वाली जो रेखाखंड है वो समत्रिभाजित है। समत्रिभाजित सम माने होता है बराबर, आ त्रिभाजित माने तीन हिस्सा में विभाजित हो टूटा हो, तो जब इसको जोड़िएगा तो तीन बराबर हिस्सा में टूटा हो, सम माने बराबर होता है, तो जब इस लाइन को जोड़िएगा तो इसमें कौन हिस्सा में टूटना चाहिए, एक हिस्सा मान लो ये, एक हिस्सा दो हिस्सा, एक दो, यहाँ देखिए तो एक हिस्सा दो हिस्सा तीन हिस्सा में टूटा है कि नहीं, तो वही बोला है कि जो हिस्सा टूटा है इसका निर्देशांक निकालिए। जिस तरह ये भी एक निर्देशांक है, निर्देश करता है कि इस पॉइंट का नाम ये है, अब कह रहा है कि इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम, तो इसका नाम कुछ रख देते हैं पी, इसका नाम क्यू, हमको पी निकालना है। आप बताइए जब ये निकालना हो तो एम वन एम टू क्या होगा, इधर कितना हिस्सा है एक हिस्सा दो हिस्सा, हमको ये निकालना है तो इधर दो हिस्सा तो दो लिख दीजिएगा, इधर कितना हिस्सा एक हिस्सा, यानी पहला वाला नाम हो गया एम वन और दूसरा वाला हो गया एम टू। ठीक है, इसके लिए सिर्फ हुआ पी के लिए, अब यहाँ निकाल रहे हैं पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक, जब पी का कोऑर्डिनेट आप निकालिएगा निर्देशांक, तो विभाजन फॉर्मूला एम वन एम टू पता चलेगा, एक्स वन एक्स टू वाई वन एम टू पता सब है ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र फॉर्मूला क्या होता है एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन अब बटा में एम वन प्लस एम टू। देखिए चार बार एम वन एम टू ये सब मिला के है एक्स टू एक्स वन, यहाँ पे ट्रिक आपको बता चुके हैं, आपको याद होना चाहिए एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अब बटा एम वन प्लस एम टू, ये आपको पता है। अब यहाँ भरिए वैल्यू, एम वन का मान है एक इंटू एक्स टू का मान है माइनस में दो, ठीक है, अब प्लस एम टू का मान है दो और एक्स वन का मान हो जाएगा आपका चार, अब बटा में एक प्लस दो, एम वन एम टू कितना है वन प्लस टू अकमा, एम वन का मान आपका कितना हो जाएगा वन इंटू वाई टू माइनस में थ्री अब प्लस, ध्यान से देखते चलिएगा बाबू बहुत आसान है इजी है, एम टू टू और वाई वन माइनस में वन अब बटा वन प्लस टू, दो एकम दो हो जाएगा अब प्लस चार दूना आठ अब बटा में हो जाएगा तीन अकामा, ये कितना हो जाएगा माइनस में तीन अब प्लस, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये भी माइनस हो गया क्योंकि माइनस
प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, अब बटा में तीन, ये आठ में से दो जाएगा तो छः बटा तीन और कमा ये हो जाएगा माइनस पाँच बटा तीन, तीन दूना छः ये हो गया आपका दो और कमा माइनस पाँच बटा तीन, एक आंसर आया दो कमा माइनस पाँच बटा तीन, यानी कि P का निर्देशांक कितना आया, P का निर्देशांक आपका दो कमा माइनस पाँच बटे तीन आया। ठीक है, अब हमको निकालना है Q का निर्देशांक, तो जाहिर सी बात है कि जब Q का निर्देशांक निकालिएगा इसका वैल्यू तो m1 m2 चेंज होगा, आप खुद सोच के देखिए जब इसका मान निकालना है तो इधर कितना हिस्सा है विभाजित हुआ है इसका मान, तो इधर एक हिस्सा दो हिस्सा, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपका दो हिस्सा है तो ये दो हो गया, इधर है एक हिस्सा तो एक हो गया। ठीक है, m1 का मान इस बार ये हो गया, m2 m1 इधर रहता है m2 इधर रहता है। ठीक है, अब निकालिए Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, ठीक है, विभाजन फॉर्मूला से, विभाजन सूत्र, फॉर्मूला क्या होता है m1 x2, यही है फॉर्मूला, तो m1 क्या है 2 इंटू x2, x2 है माइनस में 2 और प्लस m2 x1, m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 4, अब बट्टा में देखो यहाँ पे 1 2 प्लस 1 बात वही होगा। ठीक है, इतना आपको है अक्कामा, यहाँ देखिए m2 m1 y2, m1 कितना है आपका 2 इंटू y2 कितना है माइनस में 3, आई हो जाएगा प्लस m2 यहाँ पे हो गया m2 y1, ठीक है m2 है 1 और y1 है आपका माइनस में 1, अब बटा में 2 प्लस 1 ब्रैकेट डाल दीजिएगा। ठीक है, दो दूना माइनस 4 और प्लस ये हो जाएगा आप कितना 4, अब बट्टा में ये हो जाएगा 2 और 1 3, अकामा 3 दूना माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 1, अब बट्टा में 2 और 1 3, जब 4 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 0 बट्टा 3, अकामा ये 6 और 1 कितना होता है माइनस 7 बट्टा 3, यानी कि 0 में भाग दीजिएगा 0 कमा माइनस 7 बट्टा 3, आपका ये वाला आंसर कितना है इसका क्यू का निर्देशांक, यहाँ पे क्यू का निर्देशांक आपका ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा कितना 0 कमा माइनस 7 बटा 3, तो ये दोनों पॉइंट निकल गया कि नहीं, तो आपको ये समझ। अब मान लो कि सम त्रिभाजित है, सम चतुर्थ भाजित हो जाएगा यानी चार भागों में टूट जाएगा, तो क्या कीजिएगा, कुछ देर के लिए मान लीजिए एक हिस्सा दो हिस्सा तीन हिस्सा चार हिस्सा इसका निकालना हो तो इसके लिए m1 क्या होगा, इधर एक दो तीन हिस्सा है बराबर होगा सम होगा बराबर, तो तीन हिस्सा तो m1 3 हो जाएगा, इधर का m2 1 हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप किसी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बाप रे इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन है बड़ा नहीं, बहुत आसान है। देखिए क्या कर रहा है, इतना देखिए डेंजर चीज क्या होता है, उतना भारी नहीं होता है, सिर्फ दिखाने के लिए डेंजर होता है, यहाँ समझिएगा। कह रहा है कि आपके स्कूल में एक खेल हो रहा है और खेल में मान लीजिए कि आयतकार एक प्रकार का मैदान हो गया, क्षेत्र हो गया, फील्ड हो गया, एक आयत ए बी सी डी इस आयतकार फील्ड का नाम है, समझिएगा, और यहाँ ए बी सी डी नाम रख दिए गए और कह रहा है यहाँ पे कि ए बी सी डी में प्रंश पर एक मीटर की दूरी पर पंक्ति है, कितना मीटर की दूरी पर है पंक्ति, ऐसे मान लो कि आपको जैसे कि देखिएगा जब दौड़ होता है ना तो दौड़ मूवी वगैरह में देखे होंगे ऐसे दौड़ा जाता है, ऐसे गोला पर होता है, इस पर भागेगा ऐसे दौड़ेगा, ये दौड़ होता है। लेकिन अब मान लीजिए कि स्कूल में छोटा मोटा जो दौड़ रहा है तो सामने दौड़ाया जाता है कि 50 मीटर 100 मीटर दौड़िए, तो ऐसे ही एक एक मीटर की दूरी पर ऐसे लाइन रख दिया गया इसमें आदमी दौड़ेगा, यानी कि जो भी यहाँ पे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे दौड़ेंगे। चलिए अब दौड़ हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूरी बनाई गई है एक एक मीटर का और ए डी, ए से लेकर के डी तक के अनुदिश प्रंश पर एक मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, समझिएगा। आई जो ए डी है ना, ए से लेकर डी तक, यहाँ एक एक मीटर की दूरी पर कौ गमला है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एगो गमला है। ठीक है, लेकिन कौ गो गमला रखा गया है, 100 गमला रखा गया। अब जगह नहीं है कि 100 गो गमला उतना ऊपर तक हम लिख पाए बाबू, ठीक है, 100 गो गमला रख दिया गया है। और उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे कि आकृति में यहाँ देख सकते हैं निहारिका दौड़ना शुरू कर दिया, और किस पंक्ति से दौड़ी है, दूसरे लाइन में, एक दूसरे लाइन में दौड़ी है, और कितना दौड़ी है तो 1/4 भाग, पूरा गमला है ए डी, ए डी ना बोला, ए डी का 1/4 भाग दौड़ी है ये बोला जा रहा है, तो ए डी पूरा कितना है 100 गो गमला है, और 100 गो का 1/4 कितना होता है, जब कटाइएगा तो हो जाएगा 25, यानी कि जब दौड़ी है दूसरी लाइन में तो पूरे लाइन का 1/4 हिस्सा दौड़ी है, यानी कि वो क्यों का सॉरी
25 नंबर गमला पर जा करके और एक क्या करती है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो चलिए मान लीजिए कि इसको हम 10 रखें, इसको 20 रखें, इसको 30 रखें, 40, 50, एक वो गमला 10 के बराबर मानते हैं, ठीक है, 60, 70, 80, 90 ऊपर वाला हो जाएगा 100। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आके गाड़ी होगी पक्का, ठीक है, 25 ही ना, 20 और 30 के बीच में 25, और दूसरी लाइन में वो दौड़ी ही है, पहली लाइन ही है, दूसरी लाइन है, तो यहाँ पे चलिए हम मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 25, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। फिर एक और लड़की दौड़ती है जिसका नाम है क्या, प्रीत। प्रीत क्या, आठवीं पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति हो गया, ये आठवीं पंक्ति, यहाँ दौड़ती है, और ये कितना दौड़ी है, 1/4 हिस्सा, यानी टोटल 100 गो गमला है, इसका 1/5 हिस्सा, तो ये कितना हो जाएगा, 20, यानी 20 नंबर गमला पर दौड़ी है। तो यहाँ से आपका कहाँ दौड़ी है, यहाँ तक दौड़ी है, यही ना 20 नंबर गमला है, ठीक है, यानी यहाँ पे दौड़िए, ये हो जाएगा आपका 8/20, आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, और वहाँ एक लाल झंडी गाड़ देती है, यहाँ पे लाल झंडी और यहाँ पे हरी झंडी गाड़ दी है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, कह रहा है कि एक लड़की यहाँ तक दौड़ी है 25 नंबर गमला तक, एक लड़की दौड़ी है यहाँ 20 नंबर गमला तक, इन दोनों के बीच की दूरी निकालें, ठीक है। तो आप जब दो एक लाइन पर अगर दो पॉइंट दिया हो, ठीक है, इसके बीच की दूरी का, दूरी का फॉर्मूला लगा लेंगे क्या बाबू, यहाँ देखिए अब बीच की दूरी, इसका नाम हम रख देते हैं कुछ, इसका नाम लाल लिख दें, क्योंकि यहाँ सॉरी यहाँ हरा झंडा गड़ा है, हरा, और ये हो जाएगा आपका लाल, आई दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी अगर बात करेंगे हम, तो होता है x2 - x1, 8 - 2 का स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा 20 - 25 का स्क्वायर, 8 में से 2 जाएगा तो 6 का स्क्वायर, अब प्लस 20 में से 25 जाएगा -5 का स्क्वायर, 6 में 6 से करोगे तो 36 हो जाएगा, अब प्लस 50 25, ठीक है, 5 और 6 कितना होता है, 11 के एक हाथ में 3 + 5 = 6, √61, यानी कि ये दोनों के बीच, यानी कह सकते हैं हम कि जो निहारिका है एक लड़की, और ये जो है प्रीत, ये प्रीत के, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, √61 है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है ये हम लोगों को देखना है। आय कर रहा है बेचारी एक रश्मि भी है, क्या नाम है उसका, रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना है। रश्मि क्या करे, कह रहा है कि ये और ये जो लाइन है इसके बीच में ले जाके इसी लाइन पर यहाँ पे गाड़ देना है। तो बताइए कि वह बिंदु ये निकाल देना है कि जहाँ पे वो गाड़ेगी, ठीक है, वह बिंदु क्या होगा वही आपको निकालना है। तो उस अपने झंडा कहाँ गाड़ेगी, ये वाला, आपके कहने का मतलब ये है कि एक लाइन है, इस लाइन पर है 2/25 और इस लाइन पर है 8/20, इस पॉइंट का नाम, और यहाँ से बीच में आकर के रश्मि अपना पी बिंदु मान लेते हैं, अपना झंडा गाड़ देती है, तो ये वाला पॉइंट का नाम बताना है। तो बीच की दूरी निकाल लीजिए, सॉरी इसका मध्य बिंदु निकाल लीजिए, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x2 + x1 + x2 2 + 8/2 25 + क्या हो जाएगा, 25 + 20, तो हो जाएगा 25 + 20, ये आपका हो गया 2, 8 + 2 कितना होता है, 8 और 2 = 10/2 अकमा, ये हो जाएगा कितना, 45/2, ये कटाओगे तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 4, 2 × 4 2 × 5 = 10, 5.22, ठीक है, यानी x का मान आ गया 5 और ये वाला y का मान आ गया 22.5, यानी कितना गाड़ेगी किस बिंदु पर, तो 5.22.5 इस बिंदु पर वो गाड़ेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपको एकदम बकलोल बनाने की कोशिश किया, यहाँ गौर से समझिएगा क्या कह रहा है। इस बार कुछ अनोखा बात हो गया है, क्या हो गया है, क्या घटना हो गया है, बिंदु -3/10, कहीं एगो बिंदु है जिसका नाम क्या है, -3/10, ठीक है, देखते चलिएगा। और एक और बिंदु है जिसका नाम है क्या, ये वाला 6-8, और सब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये लाइनवा आके कहीं जुटेगा, कहीं आकर के जुटेगा, मान लो कि यहाँ पे आकर जुटा चाहे यहाँ पे आकर जुटेगा, तो अनुपात दे रहा था कि ये 2:3, इस बार वो आदि ये दे रहा था, पूछ रहा था इसका निर्देशांक निकाले, इस बार क्या किया कि ये दे दिया है, अब बोला है कि बताइए किस अनुपात में है, m1 m2 निकलना है, इस बार विभाजन जहाँ से विभाजित हुआ है ना, वो भी जहाँ से टूटा है विभाजित हुआ है वो विभाजन दे दिया है, कितना दिया है, -1/6, ठीक है, ये विभाजित है यही से ना टूटा है, तो विभाजन इस बार दे दिया है,
विभाजन, विभाजन जहाँ से ये विभाजित करता है, विभाजित करता है वो दे दिया है माइनस एक कमा छः। अब पूछा है M1 M2 क्या होगा, अरे फॉर्मूला वही लगाइएगा ठीक है, लेकिन इस बार M1 M2 छोड़ दीजिएगा, हमको पता ना है तो भरेंगे कहाँ से, है ना जी। लेकिन यहाँ देखिए विभाजन का सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है बाबू, M1 X2 प्लस M2 X1 अब बट्टा में M1 प्लस M2, बेचारे सबको इस बार छोड़ देना है ठीक है, इस बार तुम दूसरे के साथ रहो ठीक है। M1 Y2 M2 Y1 अब बट्टा M1 प्लस M2 ठीक है। अब देखिए विभाजन कहाँ, जितना विभाजन सूत्र इस बार दे दिया है कि कितना विभाजित हुआ है, माइनस एक कमा सिक्स विभाजित हुआ है ठीक है। M1 M2 नहीं दिया है छोड़ दीजिए, M1 छोड़ दीजिए, X2 X2 दिया है आपका छः, अब प्लस M2 बेचारा नहीं दिया है ठीक है। X1 कितना दिया है, यहाँ देखिए X1 हो जाएगा माइनस में तीन, अब बट्टा ये नहीं दिया है तो छोड़ दो, हो गया कमा। M1 नहीं दिया है बेचारा, कुछ है ही नहीं तो माइनस में आठ, अब प्लस M2 भी नहीं दिया है, Y1 दिया है आपका दस, अब बट्टा M1 प्लस M2। आप इसको कई तरीका से यहीं पे चाहिएगा तो देन एंड देयर सॉल्व कर दीजिएगा ठीक है। देखिएगा यहाँ कमा होता है, और एक चीज़ पता है कि किसी भी ब्रैकेट में अगर दो चीज़ कोई दिया है और कमा दिया है तो पहला वाला वैल्यू एक्स होता है और दूसरा वाला क्या होता है, वाई का वैल्यू होता है। तो आप सोच के देखिए कि ये वाला ब्रैकेट है और कमा है तो ये वाला एक्स हो गया, ये वाला वाई हो गया। तो इसमें अगर आपका बात करें तो ये वाला एक्स और वाई होगा कि नहीं, तो इसमें ये एक्स और इसमें ये एक्स, इसमें ये वाई और इसमें ये वाला वाई ठीक है। चाहे तो इसको बराबर कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं ठीक है, थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। छ एकम छ एम वन, अब प्लस माइनस माइनस थ्री एम टू, अब बट्टा एम वन प्लस एम टू कमा, माइनस में आठ एम वन अब प्लस टेन एम टू, अब बट्टा में एम वन प्लस एम टू ठीक है, ये हो गया। अब एक काम कीजिए, बताइए ये x1 है कि नहीं, ये x है और ये y है, इसमें भी ये x है और ये y है, तो इसको x को x के बराबर कर दीजिए, यानी कि इतना को इसके बराबर कीजिएगा आपका मान निकल जाएगा, और नहीं तो y को इस y के बराबर कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कीजिए, आपकी मर्जी, आज़ाद है। देखिए बाबू एक चीज़ याद रखिएगा, मैथमेटिक्स को बनाते समय मैथमेटिक्स के हिसाब से मत चलिए, मैथमेटिक्स को अपने हिसाब से ले चलिए। लाइफ का यही फंडा है, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, अपने हिसाब से चलिए। दूसरे के हिसाब से चलिएगा तो आप मशीन कहलाइएगा, मशीन नहीं बनना है, इंसान ही रहना है, इसीलिए अपने हिसाब से चलना है ठीक है। माइनस एक बराबर ये पहला वाला पहले के बराबर, छ एम वन माइनस थ्री एम टू बट्टा एम वन प्लस M2, जब बीच में बराबर तो तिरछा तिरछी गुणा, इसके तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे कुछ है ही नहीं, छोड़ दीजिएगा। M में माइनस वन से तो माइनस M1, ये हो जाएगा माइनस M2, अब बराबर सिक्स M1 माइनस थ्री M2। एक जात को एक जात कीजिए, M1 को एक तरफ, M2 को एक तरफ। एक काम करते हैं, M2 को हम इसको इधर ला देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस M1, यहाँ माइनस में है प्लस में है M1, इधर आएगा तो माइनस में 6M1, अब बराबर माइनस 3M2 इधर बचा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में M2 ठीक है। 6 और एक कितना हो जाएगा 7, माइनस में M1, अब बराबर ये घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस में 2M2, माइनस से माइनस खत्म। हमको निकालना है पता है क्या, M1 और M2, तो एक काम करते हैं, M2 को देखिए ए बी सी डी वाले को एक तरफ ला लीजिए और नंबर वाले को एक तरफ, तो M2 यहाँ क्या है ना, प्लस माइनस कुछ में नहीं है, बीच में क्या छिपा रहता है, गुणा इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो M1 बट्टा M2 अब बराबर 2 आइए चला जाएगा बट्टा में तो 7, यानी कि आपका M1 बराबर 2 आया, M1 कितना हिस्सा आया 2 और M2 बराबर कितना आया 7, इसको हम लिख सकते हैं 2 अनुपात 7 में टूटा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पाँच नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कैसे आपको फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया है, ट्राई तो पूरा किया है लेकिन बनने तो नहीं देंगे, ये गारंटी है बाबू। देखिए कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात निकालना है, अनुपात का मतलब जो टूटता है हिस्सा वो निकालना है, जिसमें बिंदु एक कमा माइनस
5, ए बिंदु है और बी बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा, कहीं ए बिंदु है कहीं बी बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा। अब कुछ देर के लिए ऐसे समझिए, ऐसे होता है निर्देशांक, इधर वाला एक्स होता है, ये वाला वाई होता है, ठीक। अब मान लो कि कहीं इधर एगो बिंदु है और कहीं इधर बिंदु है, और यहाँ पे ऐसे कहीं मिल जा रहा है। आप देखिए, ये दोनों बिंदु अगर मिल रहा है, पहला वाला ए मान लीजिए, ये वाला मान लीजिए कि बी, हम ये नहीं लिख रहे हैं, आखिरकार ए और बी समझिएगा वही है, ठीक। अब मिल रहा है तो कह रहा है कि वो मिल रहा है तो एक्स अक्ष को विभाजित कर रहा है। आप खुद देखिए ना, जब यहाँ से यहाँ खींच रहा है तो कह रहा है कि एक्स अक्ष को, ये वाला एक्स है कि नहीं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष को विभाजित करता है। तो ये कहाँ पे विभाजित है ये पते ना है, एक्स के एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है, साढ़े तीन नंबर है, साढ़े चार नंबर है, ये पते ना है। तो हमको नहीं पता तो एक्स का मान यहाँ एक से रख देते हैं, लेकिन ये पता है कि यहाँ पे वाई का मान क्या होगा। वाई की तरफ देखिएगा तो पता चलेगा वाई का मान जीरो है। इस पॉइंट का क्या नाम है, एक्स का मान जीरो। तो यहाँ एक्स का मान निकाल देना है, जब x का मान निकल जाएगा तो ये कितना हिस्सा में टूटा है इसका अनुपात भी निकालना है, ठीक है। अगर इस लाइन को हम सीधा करें तो सीधा करेंगे तो ऐसे होगा, इसका नाम हो जाएगा a, ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पे, इसका नाम हो जाएगा b, यही ना है ए बी। और जहाँ से टूटा है, कहीं से टूटा होगा, उसका नाम x का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। a का मान कितना दिया है यहाँ पे, a का मान माइनस पाँच, ये इधर वाला b का मान कितना दिया है, माइनस चार का मान पाँच। अब पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे पहले x वाला निकाल लीजिए, जब ये निकल जाएगा तो m1 m2 निकालना है कि ये कितना हिस्सा है और ये कितना हिस्सा है। वही बोला है, देखिए अनुपात बोल दे तो m1 m2 निकालना जरूरी है। अब यहाँ हम निकालते हैं इसका मान, विभाजन फॉर्मूला लगाते हैं, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। आखिरकार बाबू विभाजन सूत्र क्या होता है, हमको तो पते ना है कि विभाजन सूत्र क्या होता है। तो एक और उपाय है, ठीक है, कि जब विभाजन सूत्र नहीं पता है तो देखिए कुछ तो पता होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ वाले हिस्से को कुछ मान लेते हैं, ये वाला, चलिए मान लीजिए हम के मान लिए, ठीक है। तो के मान लीजिए, देखिए ना हमको ये पता है ना ये पता है, तो ये जितना भी होगा उसको अगला हिस्सा वन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं के रेशियो वन, के अनुपात वन, इसको हम मान लिए, ठीक है। अब विभाजन सूत्र होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटा एम वन प्लस एम टू अकमा, यहाँ पे हो जाएगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटा एम वन प्लस एम टू। अब फॉर्मूला में ले जाके भरिए सब वैल्यू, एम वन कितना है, तो एम वन आपका के है। देखिए गौर से समझिएगा, ये क्यों क्यों लिखा जाता है, किसी को समझ में बाबू बहुत बच्चे को कम आता है। अच्छा मान लीजिए कि एक लाइन है, और लाइन का ये हिस्सा नहीं पता है, तो एक हिस्सा पता कर सकते हैं ना। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि दोनों पॉइंट में एक हिस्सा ये हो गया, और ये पते ना है कि कितना हिस्सा है, दो हिस्सा भी हो सकता है, तीन हिस्सा भी हो सकता है, चार हिस्सा भी हो सकता है, नहीं पता है। तो यहाँ ये वाला हिस्सा पूरा नहीं पता है, तो इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, के क्यों, ए बी सी डी जो मानना है वो मानिए, लेकिन एक हिस्सा इधर का कम से कम पता रखिए कि यहाँ से इस पॉइंट से ये वाला एक हिस्सा है, इसीलिए इसको एक मान लेते हैं। इधर कितना हिस्सा है हमको पता ना है, तो वहाँ पर कोई अल्फाबेटिकल नंबर यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एम वन कितना है, के इन टू एक्स टू, एक्स टू हो जाएगा माइनस में चार, अब प्लस M2 हो जाएगा 1 इंटू एक्स वन हो जाएगा 1 अब बटा में k प्लस 1। तो हम समझते चलेगा, अब विभाजन जहाँ से टूटा है वो यही ना विभाजन है, यहीं से विभाजित होता है। इसका मान कितना है, x कमा जीरो है, ठीक है। अब देखिएगा वैल्यू कैसे निकलेगा, कमा लिख दीजिए यहाँ पे, M1 कितना हो गया, k इंटू वाई टू आपका हो जाएगा 5, अब प्लस M2 1 इंटू वाई वन हो जाएगा माइनस में 5, अब बटा में हो जाएगा के प्लस वन। थोड़ा सा इसको सॉल्व हम लोग कर लें, एक्स कमा जीरो, के में माइनस फोर से तो माइनस फोर के अब प्लस वन अब बटा में के प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। और कमा है तो कमा लीजिए, यहाँ पे पाँच एकम पाँच के अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 अब बटा में के प्लस वन। पहले हम के का मान निकाल लेते हैं, फिर एक्स का मान निकाल लेते हैं, देखिएगा कैसे, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि ये जीरो वाला है वाई है, इधर का ये वाई, दोनों को बराबर कर दीजिए, जीरो बराबर पाँच के माइनस पाँच बटा के प्लस वन। ये जब गुणा कीजिएगा तो सब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो बराबर पाँच के माइनस पाँच, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में पाँच बराबर पाँच के, पाँच एकम पाँच, के बराबर का आ गया
वन आ गया। के का मान कितना आया? वन। यानी कि जो पूछा है ना कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो एक अनुपात एक में ये बटेगा, या के का मान एक यानी बराबर भाग में बटेगा। तो जब बराबर भाग में बट जाएगा, के का मान कितना गया? वन। अब बोल रहा है कि एक्स का भी मान निकालिए, तो एक्स किसके बराबर कीजिए? पहला वाला एक्स के बराबर। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स बराबर माइनस फोर के प्लस वन बटा के प्लस वन। एक्स बराबर माइनस फोर, के का मान अभी आप निकाले हैं कितना? वन प्लस वन, ये हो जाएगा वन प्लस वन। एक्स बराबर चार एकम चार प्लस वन, एक और एक कितना हो गया? दो। चार में से एक जाएगा तो हो जाएगा माइनस तीन बट्टा में दो। एक्स का मान कितना आ गया? माइनस तीन बट्टा दो। तो यहाँ एक्स भी निकल गया, एक्स का वह निर्देशांक भी निकल गया माइनस तीन। कितना हो जाएगा इसका? ये वाला जो निर्देशांक है वह हो जाएगा आपका माइनस तीन बट्टा दो, और वाई का मान जीरो। ठीक है, ये वाला निर्देशांक जो आपको मानना है वो मान लीजिए। इसका मान हो जाएगा एक का मान एक अनुपात में विभाजित हुआ है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। बाबू आपको समझ आया है तो शेयर करते रहिए अपने प्रिय दोस्तों के पास। तो फिर बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ समझिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है यार। यदि बिंदु ये चार को बिंदु दे दिया, कितना बिंदु? चार बिंदु, और कह रहा है इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक सवाई का मान निकाले। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज समझ रहे हैं, आमने सामने वाली लाइन क्या होता है? समानांतर होता है ऐसे। ये वाला क्या हो गया आपका? समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, और ये कह रहा है इसको लाइन से सजा दो, एक कमा दो। कहीं से सजा सकते हो, यहाँ से कहीं से। इसका नाम भी रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, के बाद क्या है? चार कमा वाई। सी के बाद क्या है? एक्स कमा छः। और डी का ये सी हो जाएगा, और डी क्या है? तीन कमा पाँच। यही तो है। अब बोल रहा है कि एक्स वाई का मान निकालिए। यहाँ पे देखिए एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो एक काम करो ऐसे इसका जो बीच का डायगोनल है जिसको हम लोग कहते हैं विकर्ण, कर्ण था लेकिन बीच से खींचा गया तो बी कर्ण हो गया। ठीक है, अब एक हमको बात बताइए, ये हमको निकालना है एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे? तो आपको मध्य बिंदु यहाँ तो देखिए, तो इस लाइन के लिए मध्य बिंदु ये है, और इस लाइन के लिए भी मध्य बिंदु यही है। यानी कि दोनों लाइन के लिए मध्य बिंदु बराबरे है। बराबर है कि नहीं? यहाँ देख सकते हैं दोनों इक्वल है, यानी सेंटर दोनों के लिए इक्वल है। तो दोनों के लिए मध्य बिंदु बराबर है, यानी कि इस लाइन का मध्य बिंदु जो आएगा, ठीक है, इस लाइन का जो मध्य, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यानी कि AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा? यहाँ पे BD या DB के क्या होगा? DB के मध्य बिंदु, ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और इसी से आपका एक्स वाई का मान निकल जाएगा। चलिए पहले एसी का मध्य बिंदु निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला मध्य बिंदु का? एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, यानी कि वन प्लस एक्स, फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू अकमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये भी मध्य बिंदु का ही होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। ठीक है, x1 कितना है इसके लिए? 1 प्लस x2 कितना है? x और बट्टा में 2 कमा y1 कितना है? 2 प्लस y2 6 बट्टा में 2। ये हो गया आपका बराबर किसके है? ये वाला x1 इसके लिए बाबू कितना हो जाएगा? तो कुछ भी रख सकते हैं, 3 रखिए चाहे इसमें का 4 रखिए 3, और x2 कितना हो जाएगा? 4 बट्टा में 2 कमा y1 कितना है बाबू? देखते चलिए, y1 आपका हो गया 5 और y2 हो गया इसका y बटा में 2। इतना आपको समझ में आया होगा। 1 प्लस x बटा 2, 6 और 2 कितना होता है? 8 बटा 2 बराबर। यहाँ देखिए 4 और 3 7 बटा 2 और प्लस सॉरी कमा है 5 प्लस y बटे में 2। इतना जरूर आपको समझ में आएगा। अब आपको एक्स वाई का मान निकालना है ना। आप बताइए, ये दो ठो दिया है, पहला वाला ये वाला, इस पूरे हिस्सा को क्या बोलते हैं? एक्स, और इसको वाई, इसको भी तो कहते हैं एक्स और वाई। तो जब इसको भी एक्स और वाई कहते हैं तो एक्स को इसके बराबर करो, वाई वाले को इसके निकल जाएगा अपने से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को पहले वाले पार्ट को पहले वाले से बराबर करते हैं। वन प्लस एक्स बाई टू बराबर सेवन बाई टू, जब बीच में क्या हो? इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सात दुना हो जाएगा चौदह, आई हो जाएगा टू प्लस टू एक्स बराबर चौदह। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में,
टू एक्स बराबर हो जाएगा 14 माइनस 2, 2x बराबर कितना हो जाएगा 12, जब कटाइएगा तो हो जाएगा 6, यानी कि x बराबर कितना आया 6 आया। इतना आपको समझ में आया होगा, हमारा क्या बोला था, ये x का मान कितना आ गया 6 आ गया। दूसरा देखिए, दूसरे वाले को दूसरे के बराबर कीजिए, ये कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 4 बराबर इसको कीजिए 4 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए डायरेक्ट 4 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई बाई 2, जब बीच में बराबर तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूना 8 बराबर ये हो जाएगा 5 प्लस वाई, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये आपका हो गया वाई, ये हो जाएगा 3, यानी कि वाई बराबर 3, यानी कह सकते हैं कि एक्स बराबर कितना आया है 6 और वाई बराबर कितना आया है आपका 3, ठीक है। तो x और y का मान निकल गया, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु A का निर्देशांक निकालना है, कहीं एक होगा उस A को पॉइंट जो होगा उसका निर्देशांक निकालना है, जहाँ AB एक क्या है वृत्त का व्यास है। मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, एक वृत्त हो गया और वृत्त का व्यास का नाम जो बीचों बीच लाइन कट जाए उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ए भी एक व्यास हो गया जिसका केंद्र, केंद्र माने बीच वाला कितना है, बीच वाला केंद्र है 2, -3, और तथा बी का निर्देशांक, बी को किसके द्वारा डिनोट किया गया 1, 4, अब बोल रहा है ए वाला निकाले, ए नहीं ना पता है इसका मान कितना होगा, तो मान लीजिए ए का मान x आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक। आप खुद देखिए बाबू, जब ये बीच में है तो बीच में है तो मध्य बिंदु के फॉर्मूला से निकाले, क्योंकि ए और बी के बी माने मध्य में कितना है 2, 3, तो मध्य बिंदु से निकल जाएगा, अब विभाजन से तो निकल ही जाएगा, क्योंकि देखिए ए हमको ये पता है और ये पता है, अब बीच वाला ही पता है, तो 1, 1 मान लीजिए क्योंकि 1, 1 हिस्सा में टूटा है ना, ठीक है, नहीं तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइएगा, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2 अकमा y1 प्लस y2 बटा में 2। मध्य बिंदु क्या है, मध्य में है आपका 2, -3 इज इक्वल टू x1 है आपका x प्लस x2 है आपका 1 बटा में 2 कमा y1 कितना है, y1 है y प्लस y2 है 4 बटा में 2 हो गया। अब एक काम कीजिए, जब आपका दिमाग काम नहीं करे कि लो भाई इसमें ना जोड़ सकते हैं ना इसको जोड़ सकते हैं, तो करें क्या, तो देखिए ये 2 हिस्सा में है, इधर भी 2 हिस्सा में जरूर रहेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो पहले वाले के बराबर करो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एक्स वाई का मान निकाल देना है ताकि पता चल जाए कि ए का मान क्या होगा। तो पहले वाले को पहले वाले के बराबर कीजिए, तो 2 बराबर x + 1/2, ये जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी गुणा करो, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर x + 1, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया x, और x बराबर कितना आ गया 3, यानी कि x का मान आया है 3। अब देखो y वाले को बराबर करो, -3 बराबर y + 4/2, 3 दूना 6 बराबर 4 + y + 4, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर बचा y, तो y बराबर हो गया -10, y का मान कितना आया बाबू -10 आया। इतना समझ में आया होगा, तो बोला a का निर्देशांक नहीं पता हो गया 3, -10, तो लैंग्वेज लिख दीजिए, a का निर्देशांक 3, -10 होगा, ठीक है। तो ये आपसे बना होगा जरूर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगर एक चीज़ याद रखिएगा, आपका एग्ज़ाम करीब है तो एक ही उपाय है, जो हम वीडियो बनाए थे उसमें लिखे थे कि ये पूरा जो त्रिकोणमिति पूरा निर्देशांक ज्यामिति का निचोड़ है, अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो एक ही वीडियो में पूरे 7.1, 7.2 और 7.3 का निचोड़, फॉर्मूला का ट्रिक भी बताया गया है और उस पर क्वेश्चन भी बताया गया है, वो वीडियो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले देख कर जाते हैं तो पक्का उसमें 17 या 18 नंबर का उसी में से रहेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करा दिया जाएगा, और अगर इसका फॉर्मूला आपको नहीं याद है, ठीक है, तो एक से एक आल जबरदस्त ट्रिक, जाइए प्लेलिस्ट खोलिए और देखिए, कहिएगा कि ऐसा ट्रिक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन ट्रिक वाइज बताया गया और ट्रिक
तो याद आपको होगा ही, क्योंकि फॉर्मूला को हम रटाते नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में सेट कराते हैं। तो सेट करना है तो प्लेलिस्ट खोलिए और देखिए त्रिकोणमिति का अगुवाई, उसमें भी आपको फॉर्मूला मिलेगा। इसका भी एक ही वीडियो में पूरा लेसन का डिटेल्स बता दिए हैं, उसका भी मिलेगा। तो फिर बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां ध्यान से बाबू देखिएगा। कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2, -4 हो, कहीं पे दो पॉइंट है, ठीक है। एक मान लीजिए कि ए यहां पे हो जाएगा, बी यहां पे हो जाएगा, ये दो ठो पॉइंट है, ठीक है। बिंदु पी के निर्देशांक निकालना है, समझिएगा, और ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। पी का निर्देशांक मतलब क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है ना। देखिए यहां समझिएगा, ए पी बराबर क्या दिया है, 3/7 ए बी। ए बी को इधर लाइए तो ये मल्टीप्लाई में रहता, इधर आएगा तो डिवाइड में नहीं, बट्टा में हो जाएगा। ए पी बट्टा ए बी बराबर कितना हो गया, 3/7। अगर इसको अनुपात में लिखना चाहो तो 3/7 लिख सकते हो, बट्टा को अनुपात भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो एक लाइन है ए, एक लाइन है बी। ए का मान दिया है -2, -2 और बी का मान क्या दिया है, -2, -4। अब आपको अंदाजा हो गया हो कि पी क्या होगा, ए पी कितना है, 3 है, तो ए से कहीं पी बिंदु होगा यहाँ पे, वो कितना है 3 अनुपात में, और यहाँ पे देखिए ए बी हो जाएगा यहाँ पे, और ए बी कितना है, ए से लेकर के बी तक पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 है। आप खुद सोच के देखिए कि जब भाई पूरा 7 है, यहाँ से यहाँ 3 है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, 4 होगा, तभी तो 4 और 3 पूरा ए बी कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, और ये वाला हिस्सा 3 हो जा रहा है, तो ये निकल नहीं गया आपका, एम वन दे ही दिया, एम टू हो ही गया, ठीक है। और उस हिसाब से ये पी का निर्देशांक निकालने को बोली रहा है, तो आप विभाजन सूत्र लगा लीजिए। क्या होता है विभाजन सूत्र, यहाँ बाबू देखिए विभाजन सूत्र होता क्या है, m1x2+m2x1 बटा m1+m2 m1y2+m2y1 और बटा m1+m2। इतना आपको समझ आ रहा होगा, अब ले जाके वैल्यू भर दीजिए। m1 3 है इंटू x2 कितना है 2 अब प्लस m2 4 है, x1 कितना है -2 अब बटा 2+m1+m2 है ना, तो 3+4 ये m1 और m2 हो गया, कमा डाल दीजिए, ये हो गया m1 आपका 3 इंटू y2 हो गया -4 प्लस m2 हो गया 4 इंटू y1 हो गया आपका -2 अब बटा 3+4 ये m1 और m2 है, ठीक है। 3 दूना कितना होता है बाबू, 6 +-4 2 = 8 अब बटा में 4 और 3 = 7 कमा 4 3 = 12 +-4 2 = 8 अब बटा में 7। इतना आपको समझ आ रहा होगा, 6 में से 8 जाएगा ये तो -2/7 कमा 12 और 8 -20 बट्टा में 7, यानी कि हमको जो पी निर्देशांक निकालना था ना, तो यहाँ पे यही हो जाएगा आपका पी निर्देशांक। ये क्या हो गया, पी का निर्देशांक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए और बी, समझिएगा एक बिंदु कहीं ए है और एक बी है, और ये जो ये ए से और बी यहाँ जो लाइन जाता है, ठीक है, उस लाइन को क्या कह रहा है, जो जोड़ने वाली रेखा है वो 4 हिस्सा में टूटा हुआ है, कितने हिस्से में, तो चारों हिस्से का निर्देशांक निकालना है, और वो भी बराबर भागों में टूटा है। मान लीजिए कि ये हो गया ए, ए का मान कितना, -2, -2। ई वाला लाइन आपका इधर खींच दे रहा है, जिसका नाम क्या हो जाएगा बी, ये कितना बी बाबू 2, 8 ऐसे हो गया। इसको जोड़ने वाला ये 4 हिस्सा में टूटा है, 1 हिस्सा यहाँ, 2 हिस्सा यहाँ, 3 और 1 4, एक ये हो गया, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ, तो ये चारों का निर्देशांक निकाल देना है। क्या कर देना है, इन सभी बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है। ये आपका ये पॉइंट का नाम ए रखते हैं, ऊपर लिखते हैं इसको बी, अरे निकल जाएगा ना। चलिए इस पॉइंट का अगर हम बात करें तो आप क्या कीजिएगा, इसको मान लेते हैं पी, इसको क्यू और इसको आर। पी को निकालना होगा तो इस साइड कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा, इस साइड कितना हिस्सा है, 1 हिस्सा। तो आप M1 M2 यानी विभाजन फॉर्मूला लगा के बना लीजिए। लेकिन एक उपाय, सस्ता उपाय बता रहे हैं, बहुत सस्ता है। क्या कीजिए, इस लाइन के बीच में ये है, गौर से देखिएगा, तो इस लाइन के मध्य बिंदु से ये वाला निकाल लीजिए, और A और Q के बीच में क्या है, P है, तो इससे मध्य बिंदु से ये निकाल लीजिए, इसके मध्य बिंदु से, यानी कि हम अगर बात करें AB का मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्य बिंदु,
ठीक है, तो ए से बी के बीच में क्यू आता है, क्यू का निर्देशांक आता है। तो यहाँ ए बी का मध्य बिंदु क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बटा टू, मध्य बिंदु का यही फॉर्मूला है, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। अब फॉर्मूला भरिए, एक्स वन क्या है, तो एक्स वन है आपका माइनस दो प्लस एक्स टू है दो, अब बट्टा में दो, अकमा वाई वन हो जाएगा आपका दो अब प्लस वाई टू हो जाएगा आठ अब बट्टा में दो, ये दो और में से दो जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो में दो से भाग करो तो जीरो हो जाएगा, आठ और दो दस, और दस को दो से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा पाँच, ये क्या हो जाएगा, ये क्यू का निर्देशांक है, क्यू का निर्देशांक इतना आपको, क्योंकि देखिए तो इसके बीच में यही है, कितना आ गया बाबू, क्यू का निर्देशांक आपका आ गया जीरो कमा पाँच। आप देखिए ए और क्यू के बीच में पी है कि नहीं, तो ए बी का मध्य बिंदु निकाल दीजिए, ए क्यू का मध्य बिंदु तो क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, तो ए क्यू का मध्य बिंदु निकाल दीजिए, ए क्यू का मध्य बिंदु, ए क्यू के मध्य में क्या है पी का, लिख सकते हैं ऐसे, ए पी का मध्य बिंदु किसके बराबर है, पी का निर्देशांक है, पी का निर्देशांक, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है, फॉर्मूला होता है x2 x1 बट्टा 2 y2 y1 बट्टा में 2, यही ना होता है। अब यहाँ निकाल लीजिए क्या, x2 क्या हो जाएगा, x2 x1, अब यहाँ हम ऐसे लिख रहे हैं तो गलत मत समझिएगा, ठीक है, ये x1 x2 डाले चाहे x2 x1 डालिए, ये एक ट्रिक में आ जाएगा, क्योंकि अगर पूरा का पूरा ट्रिक देखिएगा ना, तो 2 को अगर पहले रख के भरिएगा तो सब में 2 आता है, तो इसमें भी अगर रखते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता। आप देखिए ना, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 2 में कोई अंतर थोड़े होता है, जोड़िएगा तो कोई अंतर नहीं होता है, तो ऐसे भी बना सकते हैं आप, क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2 अबट्टा में 2 अकमा वाई 2 हो जाएगा 5 प्लस 2 अबट्टा में 2, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस दो बट्टा दो, दो एकम दो, ये जाएगा पाँच और दो सात बट्टा दो, ये कितना हो जाएगा, ये बच गया आपका माइनस में वन अकमा सात बट्टा दो। अब देखिए, अब हम निकालते हैं इसके बीच वाला, आर निकालना है ना, आर का निर्देशांक, ये आपका क्या हो गया पी का निर्देशांक हो गया, अब हम निकालते हैं आर का निर्देशांक, यानी आर का मान निकालना है, ठीक है, तो R का मान अगर निकालिए तो किसके मध्य बिंदु है, ये किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, QR का Q से ले QB, QB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, ठीक है। R का निर्देशांक इसके मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, X1 X2 जोड़ दीजिए चाहे X2 X1 जो आपको अच्छा लगे, लेकिन X के साथ X से जुड़ता है मध्य बिंदु में, ठीक है, तो 0 प्लस 2 अबट्टा में 2 अकामा 5 प्लस 8 बट्टा में दो, ये हो जाएगा दो बट्टा दो अकमा आठ और पाँच तेरह बट्टा दो, दो से दो कट जाएगा एक कमा तेरह बट्टा दो, ये हो जाएगा किसका, आर का हो गया, आर का निर्देशांक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो लीजिए आपका स्क्रीनशॉट, एक आपका ये आंसर हो गया, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, तो आपको समझ आया होगा। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन बाबू आप लोग देखिए, एकदम आसान तरीका से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो नंबर का पूछा जाता है, इसके लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, ये समझिए, तो आपके लिए वी वी आई समझ रहे हैं ना, भागे भरोसे आई वाला काम नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है, समझिएगा। कह रहा है कि एक चतुर्भुज है जो चार भुजा से बना है, चार भुजा से बनने वाले क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, और इसका निर्देशांक दे दिया है, इसका जो शीर्ष है ना वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स मतलब ये शीर्ष जो दिया है वो चारों दे दिया, बोले इसका क्षेत्रफल निकालिए, भाई इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो बताइए चतुर्भुज सम चतुर्भुज है तो सभी भुजाएं बराबर है, तो या तो ऐसे निकाल सकते, एक लाइन खींच लीजिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, फिर दूसरे त्रिभुज का, आ दोनों को जोड़ दीजिएगा तो भी निकल जाएगा, आपको हम बता चुके हैं, जाइए और प्लेलिस्ट खोल करके देखिए, एक संपूर्ण निचोड़ का वीडियो है, सेवन का, यही लेसन सेवन का है, बहुत ही आसान है, उसमें पूरे सेवन लेसन का निचोड़ पड़ा हुआ है, जाकर के देखिए, इजी वे में पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, नहीं तो सम चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल होता है क्या, देखिए क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, एक बट्टा टू होता है विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब ये क्या हो गया भाई,
ये कौन सा फॉर्मूला है, यानी 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं, बीच से जो कर्ण खींचा जाता है ना उसे विकर्ण कहते हैं। तो विकर्णों का गुणनफल तो दो गो होगा तबे ना, तो इस लाइन ये लाइन कितना है और ये लाइन, दोनों निकाल दो और दोनों को गुणा कर दो। तो आप बताइए ए से लेकर सी तक लाइन कौन मीटर है, नहीं पता है तो आपको तो बीच का दूरी फॉर्मूला पता है, ए से लेकर के सी तक के बीच की दूरी निकाल लीजिए, फिर बी से डी निकाल लीजिए, दोनों को गुणा कर दीजिए। यहाँ देखिए AC के इधर से लिखते हैं, AC के क्या लिख देते हैं, बीच की दूरी। AC से निकाल लीजिए क्या होता है दूरी फॉर्मूला, x2 है -1 और -3 का स्क्वायर और प्लस 4 -0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 और 1 -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 16 कितना हो गया 32 हो गया, ये यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब निकाल लीजिए ये वाला विकर्ण कितना है, एसी विकर्ण आपको मिल गया कितना √32। अब निकालिए आप बीडी विकर्ण, बी से डी के बीच ऐसे होता है बीच की दूरी, ठीक है ये भी बीच सुधार लीजिए, बीच की दूरी क्या होता है, बीच की दूरी यहां देखिए अंडर रूट, इसके लिए क्या होगा x2 - x1 जो मन करे वो घटाओ यार, तो क्या हो जाएगा x2 क्या है -2 - 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 y2 - y1 का स्क्वायर, 4 और 2 कितना होता है -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का 36 हो जाएगा और ये भी 36 और 36 कितना होता है √72 होता है। अब इतना आपको समझ में आया होगा, अगर इसको निकालना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, जब 32 है ना तो 32 को फैक्टर कर लीजिएगा ऐसे 2 से, कितना हो जाएगा 16 × 32 2 से हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 2 से 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 फिर हो जाएगा 2 1, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5 × 2 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, इसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं, 72 को तोड़ लीजिएगा तो 2 बार में हो जाएगा 36, और 36 को डायरेक्ट तोड़िएगा तो 6 से 6 डायरेक्ट काट लीजिए इसे, तो हो जाएगा आपका 36 यानी कि 6√2, कितना हो जाएगा 6 का 36 × 72, ये इतना आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 विकर्ण कितना है आपका, यहाँ देखिए विकर्ण है एगो 4√2 और गुणनफल माने गुणा 6√2। ठीक है, यानी एक वो लाइन यहाँ दे ही दिया है, ये वाला लाइन भी दे दिया, ये भी एक ये वाला हो गया, ये हो गया। ठीक है, 1/2 गुणा कीजिए इसको, 6 चौका 24 इंटू √2 में √2 से 2 × 4 का वर्गमूल 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, कितना बचा 24, यानी कि ये अगर मीटर में हो सेंटीमीटर हो या इकाई हो तो इकाई लिख दीजिए। ठीक है, वर्ग इकाई लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं वर्ग इकाई क्षेत्रफल है, तो यही आपका हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बहुत ही मस्त लगा हो तो अपने प्रिय दोस्तों के पास उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे 7.3 में, तब तक के लिए जय हिंद।